हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग? होप कर तो सब बंदे अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहना। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको वेलकम है। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर लेना और बेल वाला नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो गाइस, लेट्स बिगिन इन द वीडियो। ओके, सो गाइस, हाल ही में हमारे घर ना फ्री फायर एक गेम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अपडेट लाया है, जो कि ये पहली बार हो रहा है। तो गाइस, उसके ऊपर ही हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो गाइस, ध्यान से देखना, एक भी पार्ट को मिस मत करना। तो गाइस, ध्यान से भी इधर देखो, इधर क्या लिखा हुआ है। डियर सर्वाइवर्स, प्लेइंग फ्री फायर यूजिंग इम्यूलेटर्स ऑन द पीसी विथ माउस एंड कीबोर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस। सो गाइस, इधर मतलब सिंपली बताया गया है, जो कि पीसी में खेलते हैं, जो कि इम्यूलेटर्स प्लेयर होते हैं, मोबाइल और पीसी में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है गेम खेलने का टाइम, जो कि आप लोगों को सबको पता है। तो गाइस, मैं इधर मतलब मेन मकसद इन लोगों का ऐसा है कि पीसी में जो बंदे लोग खेलते हैं वो मतलब मोबाइल प्लेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो रहा है, मतलब मोबाइल प्लेयर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है पीसी की लेवल की गेम को मतलब खेलना। तो ये तो गाइस सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो पीसी में आप लोग कितना सारा एक साथ कीबोर्ड भी चला सकते हो, माउस भी चला सकते हो, लेकिन आप लोग टू फिंगर या फोर फिंगर प्लेयर हो तो आप मोबाइल में अच्छे से खेल सकते हो, लेकिन आप लोगों को पीसी जैसा नेक्स्ट लेवल वाला गेम प्ले नहीं आएगा, ये तो सब लोगों को पता है। तो गाइस, इसके ऊपर टू बी गेमर भाई ने क्या रिएक्ट किया है, तो गाइस वो आप लोगों को मैं वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी वो क्लिप्स। तो गाइस, उससे पहले जिसको भी पता नहीं है टू बी गेमर कौन है, तो भाई टू बी गेमर है हमारा नेपाल का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर विथ 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स। तो गाइस, चलिए देखते हैं हमारा टू बी गेमर भाई ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया है। कुछ ज्यादा ही हो गया है, वो लोग ने अभी क्या कर दिया है, अपडेट लेके आ गया कि भाई प्लेइंग फ्री फायर यूजिंग इम्यूलेटर्स ऑन द पीसी विद माउस एंड कीबोर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम यूजिंग अनी मेथड। ये क्या क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड ये लोग सोचते होंगे कि भाई हम मतलब अनफेयर हो रहा है मोबाइल प्लेयर के साथ, एंड जो है गाइज ना अभी पीसी प्लेयर के साथ कराएंगे। चलो गाइज, आप मानते हैं कि गाइज चलो घेरी ना, ठीक है, मतलब चलो आप लोग को मान लिया, आप ठीक हो भाई, हमारा गेम 3-4 मिनट तक स्टार्ट भी नहीं होता है एंड अभी भी स्टार्ट नहीं होगा, क्या बोलते हैं बाद में भाई, क्या क्या रीजन बना देते हैं। एंड गाइज चलो कि मानो कि अगर ज्यादा पीसी प्लेयर्स होते ना, तो चलो हम कंसीडर भी कर लेते हैं कि लाइक हाँ पीसी प्लेयर्स का ठीक है, अभी भाई इतना ज्यादा पीसी प्लेयर्स भी नहीं है, मतलब घेरीना को ना हमको नहीं बोलना चाहता, हमको बैन क्यों कराते हो, क्यों गाइज हम आपके लिए गेम खेलते हैं, आपका गेम में इतना पैसा लगाते हैं, बैन कराने तो सीधा मेमो ब्लू स्टैक को करा देते तो सही होता था, क्योंकि वो लोग को ही बैन करा दो ना, फ्री फायर रखो ही मत ना, हम क्यों मतलब खेलेंगे, सीधी सी बात है कि नहीं। और गाइज हम लोग क्या करते हैं कि गाइज मम्मी को बोलते हैं कि भाई 3-4 लाख का हम तो पीसी बनाते हैं गाइज, बस क्यों, क्योंकि गाइज हम लोग को वीडियो बनाना है, वीडियो क्वालिटी अच्छा आता है, कंटेंट में मजा आता है, और मतलब जो है हम इंटरटेन के लिए खेलते हैं, ना कि हम प्रो प्लेयर बोलने के लिए। आप लोग मेरा रिसेंट कंटेंट देख सकते हो, उधर हम लोग गाइस प्रैंक करते हैं, कभी चैलेंज वीडियो बनाते हैं, कभी मतलब हम वीवेज यूट्यूबर के साथ कोलैब करते हैं। एंड अभी मतलब गेरिना को ऐसा लगा है कि गाइस मतलब ना हम मतलब जो है मोबाइल प्लेयर्स को हानिकारक हो गए, और आप लोग को लगता है कि गाइस कि हमारे कारण आप लोग को कुछ दिक्कत हो रहा है, आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गाइस हम पीसी में खेलने के कारण आप लोग को कुछ ज्यादा ही मतलब हानिकारक हो रहा है, क्योंकि हम मतलब ठीक ठाक खेलते गाइस, ठीक है, और आप लोग मतलब उससे भी ज्यादा हो गए हो। एंड जब हम पीसी प्लेयर होने के बाद भी मतलब हम एनएक्सटी स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट करते हैं, ई स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, हम मतलब खुद का गिल्ड बना के बैठे ई स्पोर्ट्स को, ताकि जो है मोबाइल प्लेयर को प्रमोट हो सके, हम मतलब इवन जो है पीसी प्लेयर्स मोबाइल में शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि गाइस हम लोग को कुछ अच्छा करना है, ई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, हम मतलब गेरिना का जो अच्छा अच्छा काम है हम हर एक चीज में साथ देते, पर हमारा क्या गाइज, हम तो गाइज एक कंटेंट क्रिएटर है ना, हमारा पीसी में क्यों बनाते हैं गाइज, सब लोग डालते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ शायद बोल रहे होंगे, क्योंकि गाइज वो लोग तो व्हाट्सएप करते हैं ना गाइज, कि मतलब व्हाट्सएप में बोल देते हैं गेरिना हैज टोल्ड अस दैट, है ना गाइज, क्योंकि गाइज गेरिना व्हाट्सएप भी तो करता है, अब व्हाट्सएप में करेंगे 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा या हम कुछ सोल्यूशन लेके आएंगे, ऐसा ऐसा बोल देंगे। ओके गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे टू बी गेमर भाई ने क्या रिएक्शन दिया है हमारे गरेना फ्री फायर की अपडेट के ऊपर, तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस अगर आप मेरे से पूछोगे, तो गाइस देखो इधर गरेना फ्री फायर ने क्या बोला है कि गाइस अगर आप पीसी में खेलते हो तो आप मोबाइल प्लेयर के साथ नहीं खेल सकते, मतलब अगर आप पीसी में खेलते हो तो आपका मैच मेकिंग पीसी प्लेयर के साथ ही होगा। तो गाइस ये अपडेट कुछ बुरा मेरे को नहीं लगा, तो अगर आप ऐसे दिखते देखोगे कि मतलब टू बी गेमर भाई ने क्या बोला है कि भाई अगर देखो आपको अगर यूट्यूबर बनना है, अगर आपको यूट्यूब मतलब इस पोजीशन में अगर आपको ऐसा वीडियो डालनी है तो आपको जहर सी बात है आपको अच्छा वाला पीसी चाहिए, नहीं तो यार आपको नेक्स्ट लेवल वाला स्मूथनेस नहीं मिलेगा आपको वीडियो में अगर आप एक यूट्यूबर हो। अगर गाइस आप लोग ऐसा गेमर हो तो गेमर के लिए हमारे जो गरेना फ्री फायर ने सोचा है
देखो जो मतलब जो मोबाइल प्लेयर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है पीसी प्लेयर। मतलब ये हमारा घर है ना फ्री फायर को लगता है। ये क्यों है गाइस? क्योंकि हमारे जो पीसी प्लेयर्स है वो जो नेक्स्ट लेवल मतलब दिखाते हैं गेम प्लेस, तो वो मोबाइल प्लेयर्स उतना अच्छा नहीं दिखा पाते। तो गरेना फ्री फायर ने ये सोच के ये वाला डिसीजन लिया है। तो गाइस बाकी देखो, अभी गाइस ई स्पोर्ट्स में आप लोग इमुलेटर्स प्लेयर अलाउड नहीं है, और गाइस मोबाइल प्लेयर अलाउड है सिर्फ ई स्पोर्ट्स में गाइस, ठीक है। तो ये गाइस गरेना फ्री फायर सोचा है गेम की तरफ से, और हमारे टू बी गेमर भाई बोल रहा है यूट्यूब की कंटेंट वगैरह के बजाय, तो मतलब यूट्यूब में अगर आपको वीडियो वगैरह बनाना है तो आपको पीसी ज़रूरत होगी, नहीं तो गाइस आप लोग अच्छा वाला स्मूथनेस का वीडियो नहीं बना सकते हो। तो गाइस यही कुछ है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है गाइस, बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।